नोएडा में तेज हवाओं के साथ ही हो रही है मूसलाधार बारिश, चारों तरफ छाए काले बादल, अपने ऑफिस के लिए छाता लेकर निकले लोग। लक्सर में आसमान में छाए काले घने बादल, तेज बारिश से बदला मौसम, लोगों को बारिश से हो रही है परेशानी। अल्मोड़ा में बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, नदी नाले उफान पर है, 5 ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बाधित हुई हैं, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। नैनीताल में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, आम जनजीवन पर पड़ा असर और नदी और नाले उफान पर। हरिद्वार में बारिश से पुराना मकान भरभराकर गिर गया, मकान के मलबे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, प्रशासनिक अधिकारी लगातार ले रहे हैं क्षेत्र का जायजा। कोटद्वार में भारी बारिश के बाद एक बार फिर बरसाती नाला उफान पर है, लोगों के घरों में पानी और मलबा आने की आशंका, दहशत में आए लोग। रुड़की और उसके आसपास के क्षेत्र में देर रात से हो रही बारिश, बारिश से कावड़ पटरी मार्ग पर गिर पड़ा और पुलिस ने पेड़ को मार्ग से हटाया। पीलीभीत में महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई, रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है, एएसपी सीओ सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर हुई मौत। कुशीनगर में मुआवजा कट के पास पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है और 3 इनामी अपराधी सहित 4 बदमाश का गिरफ्तार हुए हैं। अपराधियों के पास से 61 एटीएम कार्ड, 40,000 रुपए, 2 बाइक बरामद। संभल में आप विधायक दिलीप पांडे की कार को पुलिस ने रोका, कार से तिरंगा उतारने का आरोप, पुलिस और आप नेताओं के बीच हुई नोकझोंक। रुड़की में कावड़ मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट पर है और फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों को दिया कड़ा संदेश। बस्ती के सिकंदरपुर गांव में शिकायतकर्ता का साथ देने पर युवक की पिटाई कर दी गई, दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को पीटा, शिकायतकर्ता ने कोटद्वार के खिलाफ की थी शिकायत। लखनऊ के शक्तिनगर में लूट के दौरान महिला की हत्या कर दी गई, 3 लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, फॉरेंसिक टीम और पुलिस जांच में जुटी। उन्नाव में कंटेनर से करीब 197 किलो गांजा बरामद किया गया है, बाजार में बरामद गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलरामपुर पुलिस ने 2 ठगों को किया गिरफ्तार, ठगी के 36,000 रुपए सहित 3 मोबाइल और सीओजी बरामद किए गए हैं और ट्रैक्टर का मुआवजा दिलाने के नाम पर ठगी करते हैं। लखनऊ के गोखल मार्ग पर धसी सड़क और सड़क के बीचों बीच हुआ बड़ा गड्ढा, स्थानीय लोगों ने गड्ढे के किनारे लगाई लकड़ियां, बरसात से लगातार धस रही हैं। हरदोई में 4 साल की बेटी और पति को छोड़ महिला ने की दूसरी शादी, अधिकारियों की चौखट पर फरियाद लगा रही है पत्नी, 1 साल पहले मायके चली गई थी महिला। कुशीनगर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला, पुलिस के सामने दबंगों ने शख्स पर चाकू से मारकर हत्या कर दी और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। अयोध्या में पिछले 10 दिन से लगातार बढ़ रहा है सरयू नदी का जलस्तर, सरयू घाट की सीढ़ियों तक पहुंच रहा है पानी। बस्ती में बांस बल्ली से बना जुगाड़ू पुल भारी बारिश से टूटा, पुल के टूटने से 2 दर्जन गांव के 40,000 की आबादी प्रभावित हुई है, आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था की जाएगी। बलिया में ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने ट्यूशन टीचर को किया गिरफ्तार, जबरन महिला से शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो के जरिए करता था ब्लैकमेल, सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। आजमगढ़ में पिता और 2 बच्चों ने खाया जहर, 3 को जिला अस्पताल किया रेफर, खानपुर फतेहगांव का मामला। रामपुर में देवर से प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने रची पति की हत्या की साजिश, बेहोश कर गला रेत कर हत्या की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी और प्रेमी साथी को किया गिरफ्तार, कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के ग्राम वजीर नगर के पास का मामला।
नोएडा प्राधिकरण से जुड़ा बड़ा घोटाला आया सामने। प्राधिकरण के अफसरों ने किसी दूसरे के बैंक खाते में जमा किए 200 करोड़ रुपए। थाना सेक्टर 58 के FIR दर्ज कराया गया है। प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी और बैंक कर्मियों ने पूछताछ में जुटी। फिरोजाबाद में जसराना ब्लॉक के प्रमुख संध्या लोधी और उनके नगर पर लगे गंभीर आरोप और वीडियो रजत कुशवाहा ने लगाया मारपीट और अभद्रता करने का आरोप। थाने में दी तहरीर, ब्लॉक प्रमुख के तरफ से दी गई तहरीर, जांच में जुटी है पुलिस। काशीपुर में फर्जी तरीके से योजना का लाभ लेने के प्रयास करने के आरोप में दो गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने लैपटॉप कंप्यूटर किए बरामद। अयोध्या के रानी मऊ में दुकान से चोरी के आरोप में दुकानदार ने आरोपी को पेड़ से बांधकर पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दुकानदार और युवक दोनों को हिरासत में लेकर की कार्रवाई। जोशीमठ में अज्ञात बीमारी से मर रही है बकरी। क्षेत्र में उपचार की व्यवस्था न होने से भेड़ पालक परेशान। उन्नाव में गांजा तस्करी करने वाले 6 लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 157.5 किलोग्राम अवैध गांजा किया बरामद। गोंडा में स्कूल परिसर में बनाई गई बिल्डिंग की दीवार गिरने की कगार पर है। बिल्डिंग के गुणवत्ता पर उठाए गए सवाल। गुणवत्ता की जांच के लिए टेक्निकल टीम का किया गया गठन। लखनऊ में अंडरपास के पास बने नाले में गिरी बेकाबू कार, मौके पर पहुंची पुलिस। शहर में चक्रवाती तूफान के बवंडर से फैक्ट्री हुई जमींदोज और हादसे में 2 लोग घायल हो गए, लाखों का हुआ नुकसान। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गांव अगौरा अमीरपुर में थोड़े का मामला। बागपत रटौल में मृतक के परिजनों से सपा और RLD प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात और मृतक के परिजनों के लिए सरकार की 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग। 2 जुलाई को पुलिस की पिटाई से साजिद की हुई थी। अम्बेडकर नगर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिया बयान। कहा सामान्य नागरिक संहिता देश हित के लिए जरूरी है, सभी से सुझाव लेकर सरकार बनाएगी कानून। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी वरेंद्र कुमार गोयल और सह प्रभारी रोहित कुमार ने अल्मोड़ा का किया दौरा। लोकसभा चुनाव को लेकर वरिंदर सिंह ने किया कहा कि आम आदमी पार्टी लोकसभा और निकाय चुनाव मजबूती से लड़ेगी। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को लेकर NCP विधायकों ने तय किए अपने गुट और अजीत पवार के साथ 32 विधायक, शरद पवार के साथ 18 विधायक और अभी भी 3 विधायकों का रुख साफ नहीं। महाराष्ट्र के मुंबई में हुई शक्ति प्रदर्शन में अजीत पवार का पलड़ा भारी। शक्ति प्रदर्शन के दौरान अजीत पवार ने शरद पवार को नसीहत देते हुए खुद को बताया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। 30 जून को चुनाव आयोग को भेजी गई थी 40 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी। पत्र में अजीत पवार को NCP का अध्यक्ष बनाने की भी जानकारी दी गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग को 5 जुलाई को मिली थी चिट्ठी। अजीत पवार की शरद पवार पर टिप्पणी कर अनिल देशमुख का बयान। कहा 82 साल का शेर अभी भी जिंदा है। बुधवार को पवार गुट के तरफ से हुए शक्ति प्रदर्शन में बोले देशमुख। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। कहा देवेंद्र फडणवीस और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही कहा है कि एकनाथ शिंदे ही राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। चंद्रशेखर बोले वे अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने CM आवास पर हुई बैठक में आगामी चुनावों को लेकर हुआ मंथन। मंत्री उदय सामंत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की खबरों का किया खंडन। शुक्रवार से शुरू होंगे प्रधानमंत्री मोदी के कई राज्यों के दौरे। छत्तीसगढ़, UP, तेलंगाना और राजस्थान में PM के कार्यक्रम। 36 घंटे में 5 शहरों में 12 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे।
अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी 4 राज्यों को 50,000 करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं की देंगे सौगात। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले दिल्ली से रायपुर जाएंगे, जहां पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 6 लेन की आधारशिला भी रखेंगे। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी देंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से वाया बस्ती अयोध्या लखनऊ जाएगी। 7 जुलाई को ही वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाजिदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। 32 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री और 9 साल के कार्यकाल को लेकर करेंगे लोगों को संबोधित। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी और 29 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 7 जुलाई से हो रहे हैं 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत। यूपी सरकार ने लगाई 26 आईएएस अफसरों की स्पेशल ड्यूटी। मोदी सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। 8 जुलाई तक अलग अलग जिलों में जाकर तैयारी करेंगे। कर्नाटक के गुलबर्गी में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। चावल के मुद्दे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुलबर्गी सांसद कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। असम कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर लगी मुहर। 12वीं 60% अंक लाने वाले छात्रों को स्कूटर देने की घोषणा। 9वीं के छात्रों को साइकिल देने का मंजूर किया गया। मणिपुर हिंसा पर गौरव गोगोई का बयान, कहा कि राहुल गांधी राहत प्रक्रिया के बारे में बात करने के लिए मणिपुर गए थे। इससे पहले राष्ट्रीय कद के किसी भी नेता ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बोले, कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। भाजपा ने कर्नाटक चुनाव में भावात्मक मुद्दे को का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से साझा किया मणिपुर दौरे का वीडियो। राहत शिविरों में हिंसा पीड़ितों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, वीडियो में बताई मणिपुर की तस्वीर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गायघाट में जेपी गंगा पथ के पास निर्माण कार्य का जायजा लिया और इस नए पथ के निर्माण से छपरा और हाजीपुर आने जाने के लिए सुगम होगा रास्ता। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी लड़के पर पेशाब करने वाली घटना के बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर चला बुलडोजर। घटना के तुरंत बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मध्य प्रदेश के सीधी की शर्मनाक घटना पर फिर बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा प्रवेश शुक्ला ने मानवता को कलंकित किया है, आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला हुआ है। इंटरनेट सेवाओं पर लगे बैन को आगे बढ़ाया गया। 10 जुलाई दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी सेवा। कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के से घबराया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जम्मू में एलओसी पर रची नई साजिश और राजौरी और पूंछ से सटी सीमा पर हाई फ्रीक्वेंसी मोबाइल टावर लगाए गए। राजस्थान के जोधपुर के एमजीएम अस्पताल में चूहों का आतंक देखने को मिला। चूहों ने कई मरीजों के पैर में काटा और मामला सामने आने के बाद अस्पताल के 2 कर्मचारी हटाए गए, जांच के दिए गए निर्देश। बिहार के नवादा के अस्पताल में बिजली की किल्लत के चलते मरीज की परेशानियां बढ़ी गई हैं और मोबाइल की रोशनी में मरीज का डॉक्टर कर रहे हैं इलाज। शौचालय में भी नहीं आ रही पानी। मध्य प्रदेश के मलवा से अनोखी तस्वीर आई सामने। किसानों के साथ जमीन पर बैठे नजर आए कलेक्टर। जमीन पर बैठकर कलेक्टर ने किसानों की समस्याएं सुनी।
पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में दंपति ने किया सुसाइड। सुसाइड नोट में लिखा खुदकुशी की वजह, कुछ लोगों पर लगाया सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, 60 लाख रुपए कीमत की 1000 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। फिश फूड की आड़ में चल रहा था शराब तस्करी का। ओडिशा के संबलपुर में मेडिकल कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है। मेडिकल फेस्टिवल के दौरान हुई घटना, कॉलेज में तनाव का माहौल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अमानवीय व्यवहार देखने को मिला, छेड़छाड़ के आरोप के चेहरे पर पोती, काले और जूतों की माला पहनाकर लोगों ने निकाला जुलूस, 7 लोगों पर केस दर्ज। सोन नदी में फंसे ट्रक को निकालने की कवायद जारी है। सोन नदी में फंसे 28 ट्रक में अब तक 12 ट्रकों को निकाल लिया गया है, अभी भी 16 ट्रकों को निकालने की काम चल रहे हैं। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से तबाही, जल विद्युत परियोजना का पेनस्टॉक पाइप टूटने से मुश्किलें बढ़ गई, मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के बाद छाई धुंध, पहाड़ों पर हर तरफ नजर आ रही है धुंध की सफेद चादर। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट, लोगों को मिली गर्मी से निजात। पूरे आकार में नजर आ रहा है बाबा बर्फानी का हिमलिंग, और अमरनाथ गुफा में इस बार भी बहुत बड़े आकार में बना हिमलिंग। पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है लंगर की व्यवस्था, श्रद्धालुओं का उपलब्ध कराया जा रहा है निःशुल्क भोजन, और बालताल में मुस्लिम और सिख समुदाय के लोगों की मदद से शुरू हुआ लंगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।